हेलो आदाब नमस्कार तीखी खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने जोर से हंसना है तो जाग जाओ क्योंकि बिग मैजिक गंगा लेकर आया है आपके लिए सबके लिए तीखी खबर विथ आर्या बब्बर तीखी खबर विथ आर्य बब्बर खबरें तीखी लेकिन अंदाज मीठा चलिए फिर जायजा लेते हैं कुछ ऐसी तीखी खबरों का और खबर लेते हैं खेल की खिलाड़ी की मनोरंजन की अभिनेता की राजनीति की और, और नेता की बिहार विधानसभा इलेक्शन 2015 अपने चरम सीमा पर है यहां का राजनीतिक तापमान थर्मामीटर तोड़ बस बाहर आने को है इसी गर्मी में किसी को भी अपनी भाषा पर नियंत्रण है ही नहीं सबको सबकी भाषा और आचरण पर आपत्ति है और खुद की भाषा का कोई ख्याल नहीं अब इस पूरे चक्कर में आप हमें बताइए बेचारा वोटर जो है उसके दिमाग का दही होगा कि नहीं होगा होगा ना के -के, के के वोट देना है वो तो आप डिसाइड करिए लेकिन इस छोटे से रायचंद की नेक राय जरूर सुन लीजिए बंधु वोट डालिएगा जरूर नए जमाने में शायद सब कुछ बदल रहा है सब कुछ से मतलब जैसे कोई भी लाइन या शब्द का अर्थ जो पहले होता था अब शायद वो नहीं है। जैसे कि बापू जब पहले कहा जाता था तो गांधी जी दिमाग में आते थे आजकल आशा राम जी आते हैं राधे बोले तो राधे माँ नजर आती हैं। हाँ, है किसी को आप कहकर संबोधित कर दो तो साक्षात गर्मियों में भी मफलर लपेटे हुए केजरीवाल जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं नमो नमा का ध्यान कर लो तो मोदी जी मन की बात कहते हुए नजर आते हैं हद हो गई है किसी गली मोहल्ले में अब किसी को पप्पू कहकर भी नहीं बुला सकते और तो और शुभकामनाएं देने से पहले किसी को हार्दिक बोलने में भी डर लगता है क्यों <laughs> अरे अगर उसने आरक्षण का डिमांड कर लिया तो अब आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला हमारे स्टूडियो में आज पधारे हैं दिग्गज नेता श्री कुर्सी पकड़ जी करेंगे उनसे बातें और जानेंगे वोटिंग से पहले उनकी तैयारियां चलेंगे बिहार के शहर समस्तीपुर और मिलेंगे वहां के एक आम आदमी श्रीमान खदेरन कुमार जी से और बातचीत करेंगे उनसे उनके पुश्तैनी चमत्कारी गुब्बारे के बारे में थैंक यू है सर जी मिलेंगे पुलिस अधिकारी श्री कड़क सिंह जी से और लेंगे उनसे बिहार इलेक्शन पे सुरक्षा इंतजामों का जायजा देखेंगे पटना से हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर श्रीमान सियासत खान जी की एक धमाकेदार रिपोर्ट सलाम तो चलिए अब सबसे पहले आपकी नजर फटाफट पांच खबर और ढूंढते हैं इनमें कुछ तीखापन पप्पू यादव ने कहा कुत्तों को भी पढ़ाने के लायक नहीं है बिहार के टीचर्स ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है जिसकी तरफ पप्पू यादव जी ने इशारा किया है है अरे कुत्तों की 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 शिक्षा की बात बलवंत राय के कुत्ते आपसे बहुत खुश है सर वेरी गुड वोटरों के लिए बिछेगा लाल कालीन आयोग भेजेगा न्योता सुनते हैं बरातियों की आओ भगत दुल्हन सब ज्यादा होती है क्योंकि उनके बगैर ना दूल्हे की कोई शान ना बरातियों की कोई शौकत शायद इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने अपने बरातियों मतलब के वोटर्स यानी के आप आपके लिए वोटर्स के लिए किया है आयोजन क्या आयोजन सबसे पहले वो भेजेंगे आपको निमंत्रण उसके बाद आपके स्वागत के लिए बिछेगी लाल कालीन। इलेक्शन कमीशन ने खाने पीने का भी इंतजाम किया हुआ है हैं? <laughs> खाने पीने से मेरा अर्थ है चाय पानी आप इसे अन्यथा कुछ और ना समझे बिहार में बीजेपी का वादा दलितों को टीवी स्टूडेंट्स को लैपटॉप भाई वाह दलित औरतों के लिए टीवी वाह वाह जवानों के लिए लैपटॉप वाह वाह वा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ये चीजें जिस चीज से चलेंगी यानी कि बिजली भाई उसको देने का किसने वादा किया है यार इलेक्शंस में किया ट्रैवल कंपनीज का बंटाधार वो कैसे अभी बता देते हैं देखिए बिहार इलेक्शन ने लगा दिया नेताओं और मंत्रियों की छुट्टी पर और विदेश यात्रा पर विराम अब इससे बेचारे नेता और मंत्री जो हैं, वो तो नाराज हुए ही हुए पर ट्रैवल कंपनियां हाय 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 बहुत बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा इन सबको पर सर सर, टेंशन ना लीजिए इलेक्शन के बाद डबल मुनाफा डबल डबल अमेरिका लंडन डबल पटाया करोड़पतियों के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ प्रत्याशियों की जेब खाली जी हाँ ये है खास खबर वैसे देखने की बात तो ये है कि इन कैंडिडेट्स की इनकम किस रेशियो में आगे बढ़ती है सौ परसेंट भी आगे बढ़ जाए तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात तो नहीं चौंकाने वाली बात तो यह होगी कि इन महान पुरुषों की इनकम बढ़े तो लेकिन वो जो हो जायज तो ये थी पांच मुख्य खबरें अब हो गया समय एक ठो ब्रेक का ब्रेक के बाद मुलाकात होगी हमारे दिग्गज नेता श्री कुर्सी पकड़ जी से तीखी खबर विद आर्य बब्बर तीखी खबर विद आर्य बब्बर ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में दिग्गज नेता श्री कुर्सी पकड़ जी का कुर्सी पकड़ जी आप कुर्सी पकड़ जी उठिए आप नेशनल टेलीविजन पर हैं लगता है फॉर्मूला नंबर आठ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा कुर्सी पकड़ जी जागी कोई आपकी कुर्सी लेकर भाग रहा है। आ, हमने कुर्सी गए? टेंशन कीजिए, मैंने उसे भगा लिया धन्यवाद बेटा धन्यवाद इट्स ओके okay, कुर्सी पकड़ जी <laughs> इस उम्र में इलेक्शन का समय टेंशन भाग दौड़ अरे सोने का समय भी नहीं मिलता होगा आपको आपको क्या लग रहा है कि हम सो रहे थे लेकिन अभी तो आप अभी हम बंद करके सोच रहे थे मगन थे चिंता में बेटा जनता की चिंता कितनी गहरी सोच है आपकी सो so डीप <laughs> एक अंदर की बात बताएं नेता लोग कभी नहीं सोता ससुरी कुर्सी सोने कहाँ देती है पहले कुर्सी मिल जाए मिल जाए कुर्सी मिल जाए इस नींद नहीं आती फिर कुर्सी जब मिल जाए ओके बाद कुर्सी छीन ना जाए कुर्सी छीन ना जाए इस सोच में नींद नहीं आती समझ पहला सवाल आप ये इलेक्शन किस पार्टी से लड़ रहे हैं देखिये हर पार्टी हमारे पीछे पड़ी है कि कुर्सी पकड़ जी हमारी पार्टी में आ जाइए हमारी पार्टी में आ जाइए लेकिन कहा है ना अब सबको खुश तो नहीं कर सकते <laughs> <laughs> नहीं, नहीं नहीं मैं समझ जी, समझ रहा रहा जी सब भाई हैं आपके भाईचारा आप लोगों का बड़े ऊंचे विचार हैं आप सबके तो इस इलेक्शन में आपका मेन फोकस क्या है वही फोकस जो पिछले दूसरे वे दूसरे इलेक्शन में था पिछले इलेक्शन में आपका फोकस क्या था कुर्सी कुर्सी मैं समझा नहीं कुर्सी पकड़ जी क्या समझाते हैं बेटा समझाते हैं जैसे स्टूडियो के बिना एक्टर कुछ नहीं होता वैसे ही कुर्सी के बिना एडर कुछ नहीं होता हमारा तो सारा ध्यान कुर्सी को हथियारों में ही रहता तो है वो कहाँ है न बेटा कि अपना विकास बड़पक पब्लिक एज इन जनता का विकास तो कुर्सी पर बैठने के बाद ही होगा ना बेटा समझ रहे हो ना जी सर मैं मैं थोड़ा 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 समझ रहा हूँ सर तो सर आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा कौन है असली दावेदार इस बार बिहार का सीएम का दावेदार केवल एक है वो है हम वाह एक नया दावेदार वेरी गुड सर वेरी गुड तो सर ये भी बता दीजिए कि आप कहाँ से लड़ रहे हैं ये पूछिए कहा से नहीं लड़ रहा है आप कहा से लड़ रहे है? हैं हम लड़ रहे हैं भैया थ्री जगह से वाह पहली बार देखा है ये वाला थ्री <laughs> नेता लोग एक जगह से लड़ने का बहुत सगुन मानते हैं। अच्छा मगर एक चिंता है चिंता <laughs> किस बात की चिंता है सर तीनों में से कोई सीट वीक है क्या और नहीं बेटा बहुत टाइट है अरे तीनों सीटों से जीतेंगे हम तो तो फिर सर किस बात की चिंता अगर तीनों तो आप जीत रहे तो किस बात की चिंता है चिंता ही कि जीतने के बाद तीनों में से कौन सी सीट रखल जाए इसी बात पर हम आपको मिलाने वाले हैं बिहार के एक शहर के आम आदमी से जी हां जिसका आप करेंगे विकास चलिए करें। आगे बढ़ते हैं और बिहार के एक शहर समस्तीपुर जाते हैं और मिलते हैं श्रीमान खदेरन कुमार गुब्बारे वाले जी सबसे सब पहले तो ये बताइए खदेरन जी ये आपका नाम गुब्बारे वाले कैसे पड़ा ये जो नाम है ना हमारा खानदानी जो गुब्बारा है इसी कारण पर एक है खानदानी गुब्बारा कुछ और बताइए अपने इस गुब्बारे के बारे में कि ये गुब्बारा हमारे बड़े परदादा जी को एक बड़े नेता जी ने एक बड़े समारोह में बड़े प्रेम से दिया था श्रीमान खदेरन जी क्या ये आपका गुब्बारा तब भी उतना ही बड़ा था समय के साथ साथ गुब्बारे के बड़प्पन में भी थोड़ी गिरावट आई ये तो बड़ी चिंता की बात है आ, और कुछ बताइए अपने गुब्बारे के बारे में खदेरन जी। बड़े नेताजी ने हमारे बड़े परदादा को सिर्फ यही गुब्बारे नहीं दिए थे बल्कि हमारे दादाजी बताते थे कि बड़े नेताजी मूंद कर एक लंबी सांस लिए और उस वायु को इस गुब्बारे के हवाले कर दिए okay, फिर क्या हुआ अरे फिर क्या होना था गुब्बारा बड़ा हो गया माने कि फूल गया और इस चमत्कार को देख करके वहां पर उपस्थित दल लोगों ने ताली बजाई और बड़े नेताजी के ऊपर में बारिश की और की। साथ में वोटों की भी इससे कहा हुआ कि हमारे बड़े नेताजी और बड़े हो गए मतलब कि चुनाव जीत गए वो भी बहुमत से फिर क्या हुआ अरे फिर क्या होना था समारोह खत्म हो गया हमारे बड़े परदादा जी गुजर गए धीर गायब हो गई साथ में नेताजी भी रह गया तो बस गुब्बारा फिर क्या हुआ जी? फिर क्या होना था इस गुब्बारे को हमारे दादाजी हाथ में चिराग की तरह लेकर के आखिरकार एक दिन ढूंढ ही निकाला बड़े नेताजी को उसके बाद बड़े मुश्किल से बड़े नेताजी हमारे दादाजी को इस गुब्बारा को पहचाने कहने लगे का चिंता करते हो हम तो तुम्हारे बीच में हैं इस गुब्बारा के रूप में उसके बाद गुब्बारा करके उसका हवा निकाल दिए बोले इलेक्शन खत्म हवा भर देंगे तो ये थे बिहार के एक आम आदमी जो राजनीतिक गुब्बारे में भरती और निकलती हुई हवा के बीच में फंसे हुए या यूं कहूं उलझे हुए अब हो गया समय एक ठो ब्रेक का तीखी खबर विद आर्य बब्बर तीखी खबर विद आर्य बब्बर ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका चलिए अब आइए मिलते हैं हमारे मेहमान श्री कड़क सिंह जी से आपका स्वागत है कड़क बहुत काड़क हूँ हम जी जी बिल्कुल आप हैं कड़क श्री कड़क सिंह जी तभी तो कानून व्यवस्था इतनी कामयाबी से कर पाते हैं अरे सबको काबू में रखने के लिए कड़क तो रहना ही पड़ता है <laughs> अरे भाई <थोगा>। <laughs> मैंने कुछ गलत कह दिया क्या कड़क सिंह जी आप वो अब सबको काबू में रखने के लिए बोले ना से। क्या ये बात सही नहीं है क्या वो कहा है कि बस चोरुए पे हमारा जोर नहीं चाहता एक बात बताइए आपका टीवी कहाँ कहाँ दिखता है कहा है वो कहा है ना सर कि हमारी धर्म पत्नी जो है मायके गई है, उसने भोरा ही हमको मिस कॉल दिया हम इधर से रिटर्न कॉल किए तो मालूम है क्या कहती है कहती है कड़क सिंह हमारा इंटरनेट पैक खत्म हो गया है जल्दी से रिचार्ज कराइए अभी के अभी हमारा <laughs> बुद्धि ब्रस्ट हो गया था सर हम भुला गए एक काम कीजिएगा जो आपका टीविया का सिग्नल है वो छापरा से थोड़ी देर के लिए मोड़ दीजिए मत कुछ नहीं होगा अरे आपको कुछ नहीं पता है एक बात बताइए, आपका शादी हो गया है ओई, आपको मालूम नहीं है वो बहुत कड़क है भाई बहुत कड़क है उनकी माँ एज एन आपकी सासू माँ ने उनको नहीं सिखाया कि पति से कैसे पेश आना चाहिए आप <laughs> क्यों रो रहे हैं आप अरे हमारे सासू का तो आप नामे मत लीजिए अरे वो तो और कड़क थी बहुत कड़क थी भाई बहुत आपको पता है हमारे ससुर जी कप्तान साहब थे और कप्तान साहब का हमारे सासू माँ के सामने कुछ नहीं चलता था कुछ नहीं आपको <laughs> पता है एक और बात उनके श्री मुख से तो खाली गोले निकलता था गोला कभी कभी तो जम्पू जेट निकल जाता था भाई अजाह रहती थी थी मतलब अब वो नहीं है बस ये घटना जो है ना हमारे ब्याह के बाद सही हुआ है हमारी सासू मां आपको पता है जब हमारे ससुर जी हमारे सासू माँ का दाह करके दुई कदम आगे बढ़े थे बिजली <laughs> तो तो जी हमको बोलते हैं का दामाद जी पहुंच गए। मिस कॉल दे रही है, माथा झंझना किया, ऊपर तक, और मन में बोले जोर से भगवान अब रखना अपना ध्यान ओके okay, ओके okay, भगवान भी ठीक ही होंगे तो आप हमें अब बताइए कि इलेक्शन में पुलिस व्यवस्था क्या है सिग्नल आपको घुमाने के लिए कहे आप घुमाए नहीं पहले हमको इंटरनेट रिचार्ज करना है महाराज उसके बाद ना पुलिस व्यवस्था तो यह थे श्रीमान कड़क सिंह जी जो हमें दे रहे थे एक मूल्यवान ज्ञान क्या मनुष्य कुछ को तो काबू में रख सकता है पर सबको नहीं तो आइए अब देखते हैं पटना से सियासत खान जी की धमाकेदार रिपोर्ट आप सभी को सियासत खान का सियासत भरा सलाम। हम अपने दर्शकों को दिखा देना चाहता हूं कि इस वक्त हम पटना शहर में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के एक घर के सामने खड़ा हूं और उनके दो सुपुत्रों पर करने जा रहा हूं भोग टॉक यानी के चर्चा जी हाँ बिल्कुल सही बूझे हैं हम बात कर रहा हूँ लालू जी और राबड़ी देवी जी के दूगो रतन की यानी के तेज और तेजस्वी बाबू लोगन की यहाँ सबसे नई बात यह है कि दो सगे तेज बंधुओं में एक भाई छोटा है तो दूसरा भाई बड़ा मगर चमत्कार देखिए बड़ा भाई छोटे भाई से एक साल छोटा है और इसी प्रकार छोटा भाई बड़े भाई से एक साल बड़ा है ये हम नहीं भैया पेपर बता रहे हैं पटना से कैमरामैन भैया जी के साथ हम पॉलिटिकल रिपोर्टर सियासत खान दर्शकों तो ये थी सियासत खान साहब की एक रिपोर्ट आप सबसे अनुरोध है कि आप सब वोट करने जरूर जाए जिस जिसके इलाके में है वोटिंग करने जरूर जाए और दूसरों को भी वोटिंग के लिए एंकरेज करें उसी को वोट दें जो आपके विकास के लिए काम करें जो योग्य भी हो और विनम्र भी बिहार इलेक्शन में सारी की सारी पार्टियां अपने अपने प्रचार में लगी हुई हैं। लेकिन हमारी जनता कितनी जागरूक है बस यही जानने के लिए तीखी खबर की टीम पहुंची पटना और पूछे कुछ खास सवाल और जवाब <laughs> आइए देखते हैं जनता जी बाहुबली की कितनी बाहें होती ये जो पैदा किया हुआ परिस्थिति है बाहुबली के भी दो ही होते हैं। के तो अनेकों बाह होते हैं एक बाहुबली खुद न समझ जान हथियार आदमी पैसा जिसके पास होता है उसको बाहुबली कहते हैं जनता जी घोषणा पत्र क्या होता है छुटा ही होता घोषणा पत्र जोकर जनता जी इस इलेक्शन में डीएनए शब्द का बहुत इस्तेमाल किया गया है बताइए जरा डीएनए का होता है हम भी नहीं जानते हैं। कोई मतलब बहुत गंदी बात है सर क्या कह रहे हैं आप ये बहुत ही वैचारिक संघर्ष है चुप हो जा भाई चलिए देन सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले एपिसोड खुदा हाफिज, गुड नाइट रात्रि जय हिंद तीखी खबर विद आर्य बब्बर